हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी भजिया कढ़ी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने से पहले हम भजिया बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 प्याज। प्याज को हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज को हम इस तरह से मैश करेंगे ताकि इसके लच्छे अलग हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया 4 चम्मच, बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये रेडी हो गया है तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। इसे हम दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे भजियों को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और पानी। इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। वापस हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे दही और 4 चम्मच बेसन। इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेंगे। बचे हुए तेल में हम डाल देंगे मेथी, कड़ी पत्ता और जो मैंने पेस्ट मसाले का बना के रखा था। मसाले को हम लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन्हें भी मसालों में मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ड्राई हो गया है। जो मैंने दही और बेसन को ग्राइंड किया था, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और मसाले में डाल देंगे। घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से मिलाते रहेंगे। ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें एक ग्लास पानी हम और डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कढ़ी ठीक हो गई है, जो मैंने भजिया बनाया था इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, भजिया कढ़ी बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।